वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या मल्टीप्लिकेशन में ई पे पावर ए टी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में एक्चुअली होता क्या है कि अगर इफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, एफ का कोई फंक्शन है, देन अगर हम उसी एफ टी को ई पे पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन उस फंक्शन, ये एक नया फंक्शन बन जाएगा, देन उस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? सिंपली कुछ नहीं होगा, एस को हम लोग क्या करेंगे, एस माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। करना क्या है, ध्यान से देखिए, एफ टी हमारा पहले फंक्शन होगा, ठीक है, उसका हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन पता होगा, और लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं तो हमें पता होगा कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अगर एफ टी का हम निकालते हैं तो जो भी आता है वो एक फंक्शन आता है जो एस का फंक्शन होता है, ठीक है, तो हमें उस एफ टी का तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन पता होगा। देन उसी एफ टी में अगर ई पे पावर ए टी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक नया फंक्शन बन जाएगा, देन उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? कुछ नहीं करना है, एस में जो भी हमारा इसका तो हमें पता है निकालने में आता है, उसको जो भी निकालेंगे हम, पहले हम इसका निकालेंगे और उसमें जो भी एस होगा, एस की जगह हम क्या करेंगे, एस माइनस ए पुट कर देंगे। जैसे हम लोग का बेसिक फॉर्मूला क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पे पावर ए टी 1/s माइनस ए, है कि नहीं? और दूसरा क्या, टी पे पावर एन है, इसका क्या है, एन फैक्टोरियल बाई एस पावर एन माइनस वन। अब हमें कहा जाए कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पे पावर ए टी टी पे पावर एन, ये दूसरा फंक्शन था, ये दूसरा फंक्शन, इसमें क्या मेनली चेंज किया है, ओनली ये वाला फैक्टर, इसका क्या होगा, हमें क्या करना है, एस के जगह एस माइनस ए पुट करना है, ये हमारा एस है, एस की जगह हम क्या करेंगे, एस माइनस ए, एन फैक्टोरियल बाई एस माइनस ए पावर एन प्लस वन, एज इट इज सब कुछ हो रहेगा, हमें टी पे पावर एन का आता है, हम ई पे पावर ए टी इंटू टी पे पावर एन का भी निकाल सकते हैं, हम बस इसका निकालेंगे और जो भी आएगा हमारा रिजल्ट उसमें एस माइनस एस को एस माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कॉस एटी का क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली क्या होगा, ई पावर एटी कॉस एटी, इसमें क्या करना है, हमें एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करना है, एस यहां पर है, एस माइनस ए यहां पर भी, एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फंक्शन में जहां जहां एस होगा वहां वहां हमको क्या करना है, एस माइनस ए से रिप्लेस करना है, बाकी एस जी टी सब कुछ हो ही रहेगा, कुछ नहीं करना। साइन ए टी हमें पता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ई पे पावर ए टी साइन ए टी क्या हो जाएगा, ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही हम बाकी जो भी फॉर्मूला होगा, दो और फॉर्मूला है उसको भी आप देख लीजिएगा। हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में बस सीखना ही है कि एफ टी जो फंक्शन है जिसका हमें पता है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, उसी फंक्शन को अगर ई पे पावर ए टी से अगर मल्टीप्लाई करके जो एक नया फंक्शन बनेगा उसका हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हमें आता है उसमें एस को एस माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ई पे पावर माइनस थ्री टी कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें कॉस ए टी का हमें पता है कॉस ए टी का क्या होता है, याद है, यहां पर खुद दिया हुआ एस स्क्वायर प्लस, लेकिन कॉस स्क्वायर का तो नहीं आता है, तो हमें एक फॉर्मूला याद होगा, कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, यहां से
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस, ये माइनस वन इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा और ये टू डिवाइड में चला जाएगा, 1/2 कॉस 2 थीटा प्लस वन। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि ये प्लस माइनस में आ जाएगा फंक्शन, और हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे और इसका निकाल देंगे, दोनों को डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया e पे पावर माइनस 30 इंटू 1/2 कॉस 2t प्लस 1। हमें बस अब इसका निकालना है, तो अगर हम देखें लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 का क्या होगा, 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 2 थीटा प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। अब हमें पता है कॉस 80 एक जगह क्या है, बस 2 है, तो हम क्या करेंगे 1/2 एस बाय एस अप स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस, ये 1 है, 1 को क्या टी पे पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर टी पे पावर 0 है, और हम टी पे पावर और एन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है क्या होता है एन फैक्टोरियल बाई एस पे पावर एन प्लस 1, एन इक्वल टू यहाँ पर 0 है तो 0 फैक्टोरियल अपन एस पे पावर 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा 1 और ऊपर होगा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमें याद होना चाहिए ये 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 0 फैक्टोरियल 1 बाई 0 प्लस 1 इसका 1 एस पावर 1 इट मीन्स एस 1/s, ये हमारा किसका निकला लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा कॉस स्क्वायर टी का निकल गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर टी को तो ही हमने चेंज किया इसमें, इस वाले में क्यों किया, क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर टी का नहीं आता था, लेकिन अगर वही अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आ जाए तो हम उसका निकाल सकते हैं, तो ये हमने निकाल दिया कॉस स्क्वायर टी का। अब हम क्या करेंगे, ये वाला चेंज किया हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी से, अब हम यूज करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ई पे पावर माइनस 3t से फिर मल्टीप्लाई है, क्या करते हैं हम s को किससे रिप्लेस करते हैं, s माइनस a से, अगर ई पे पावर a से 80 से मल्टीप्लाई हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई होता है तो s को रिप्लेस करते हैं s माइनस a से, यहां पर किससे मल्टीप्लाई है माइनस 3 से, तो क्या हो जाएगा s माइनस माइनस 3, ठीक है s प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई s प्लस 3, ये हो गया पर आपका आंसर। ठीक है, ये होगा आपका आंसर, एक्चुअली सॉरी यहाँ पर ये 4 होगा। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं, एफ टी इक्वल टू ई पे पावर 40 साइन 2t कॉस टी। अब देखिए इसमें हमें साइन 2t का आता है, ठीक है कॉस टी का आता है, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में तो नहीं आता है, और फिर इन दोनों के साथ ये ई पे पावर 40 भी मल्टीप्लाई में है, तो हम पहले क्या करेंगे इन दोनों को लेंगे और उनको वो वाला जो हमने फॉर्मूला याद पढ़ा था पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि साइन ए कॉस बी इक्वल टू क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, पहले हम इसको इसमें चेंज करेंगे, ठीक है और फिर हम उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे जो आएगा उसमें फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो 1/1 हम देखते हैं साइन 2t कॉस टी 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी 2t प्लस टी, क्या हो जाएगा साइन 3t प्लस साइन ए माइनस बी 2t माइनस टी, क्या हो जाएगा टी साइन टी।
इसके जगह हम लोग ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एफ टी क्या हो जाएगा, ई पे पावर 40 इंटू 1/2 साइन 3t प्लस साइन टी। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का निकालेंगे लैपलस, और फिर तो अगर हम निकाले लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/2 साइन 3t प्लस साइन टी, कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और लिनियरिटी प्रॉपर्टी से हम एक एक का निकाल सकते हैं, लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t प्लस लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी। अब हमें फार्मूला तो बिल्कुल याद होना चाहिए, बिना फार्मूला का आप एक स्टेप भी इसमें आगे नहीं जा सकते। इसका क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2, एक जगह क्या है हमारा 3 है, सिंपली रिप्लेस इट, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, सिंपली यहाँ पर है क्या है 1 है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन इसका निकाल लिया, ठीक है। तो इसका तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाल लिया, अगर शिफ्ट बाई लिखेंगे बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पे पावर 80 इंटू साइन 2t कॉस टी क्या होगा, हमें एस को रिप्लेस करना होगा, यहां पर ए नहीं है 4 है सॉरी, एस को किसे रिप्लेस करना होगा, एस माइनस 4 से, हमारा क्या आ जाएगा 1/2 3 अपॉन एस को एस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 अपॉन एस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ये हो गया आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पे पावर 80 इंटू साइन 2t इंटू कॉस टी, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा, दो देख लिया प्रॉपर्टी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक। हम एक और एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन, जैसे एफ टी इक्वल टू ई पे पावर माइनस टी कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। हमें कॉस स्क्वायर टी का भी लैपलेस नहीं आता है, और दोनों मल्टीप्लाई में तो उसका भी नहीं आता, लेकिन हम कॉस स्क्वायर टी को चेंज कर सकते हैं, कैसे, हमें पता होना चाहिए कॉस 2t इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1। तो कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू माइनस ही साइड आएगा और डिवाइड में चला जाएगा 2 हो जाएगा कॉस 2t प्लस 1। तो हम कॉस स्क्वायर टी की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं फंक्शन में, हमारा एफ टी क्या हो जाएगा, ई पे पावर माइनस टी 1/2 कॉस 2t प्लस 1। हम सिंपली अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसका निकाल सकते हैं, तो हम लोग पहले निकालेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/2 कॉस 2t प्लस 1, 1/2 कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2t है, तो आपको याद होना चाहिए कुछ फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला कुछ नहीं हो सकता, ये होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1/2 ए की जगह क्या है 2 है, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4, और 1 इट मीन्स क्या है टी पे पावर 0, और लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पे पावर एन का क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस पावर एन प्लस 1। टी पे पावर 0 इट मीन्स एन इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1 अपॉन 0 प्लस 1 1 इट मीन्स एस। ये हमने निकाल लिया लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/2 कॉस 2t प्लस 1। अब हमारा बस हमें क्या करना है, ई पे पावर माइनस टी से और मल्टीप्लाई करना है, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पे पावर माइनस टी इंटू 1/2
कॉस टू टी प्लस वन है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, एस को रिप्लेस करते हैं एस माइनस वन से। अगर एस ई पे पावर ए टी से मल्टीप्लाई हो तो हमें यहाँ क्या माइनस वन से मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू एस प्लस वन, एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर प्लस वन बाई एस प्लस वन। ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व, ये हमारा रफ वर्क है, ये बस मेनली आपको फॉर्मूला याद दिलाने के लिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो सही में वाकई में अच्छा लगा कि ये यूजफुल है, देन लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।